फोर चल, फाइव चल, सिक्स सेवन चल, जितने तुम्हारे शोल्डर है उसके बिल्कुल सीध पे लानी है, ठीक है। हाँ ये चलो अब इसको, हाँ फोर हेड पे, नहीं नहीं फोर हेड पे लेके जाओ। और जो मेरे भाई बिगनर हो उन लोगों के लिए बता दूँ, आप सिर्फ इतना ही वर्कआउट करना जितना बता रहा हूँ, आपका आर्म सीरियसली पे बहुत बड़ा हो जाएगा फ्यूचर और बहुत बढ़िया लगेगा। इससे देख रहे हो पोजिंग चल रही है हमारे पंकज की, पंकज फुल फॉर्म में चल रहा है। पंकज ऑडियंस चाहती है आप एक पोजिंग करके दिखा दीजिए। चलो मेरे भाई वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं, मैं इनको मोटिवेशन करने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज देख रहा था कि अपना फ्यूचर देखो, आप लोग भी अपना फ्यूचर देखो अगर बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो। चल राम राम मेरे भाई, कैसे आप, चलो तो स्वागत आपको अपने चैनल टाइगर फिटनेस क्लब पे। जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आए, आप लोगों को पता होगा इन दोनों की मेरी अपनी सीरीज चल रही है, तो बहुत कमेंट आया कि हाँ भाई ऐसे वर्कआउट कराओ, इन लोगों को वर्कआउट कराओ, तो मैं सीरीज को बढ़ाता हूँ। चलो सीरीज में आज सेकंड वर्कआउट कराता हूँ इनको, मैं आर्म्स का वर्कआउट और बाइसेप ट्राइसेप्स के वर्कआउट से पहले मैं कराऊंगा ट्राइसेप्स पुशअप्स। और ट्राइसेप पुशअप्स कराने के कई तरीके होते हैं, अपना जो तरीका वो मैं बताता हूँ। चलो भाई टू थ्री स्लो, फोर भागना नहीं है, फाइव हाँ जितना स्लो मारेगा ना उतना ट्राइसेप पे आएगा, सिक्स और स्लो, सेवन आ रहा है। इसके 15 से 20 रैप के हमने मारने हैं, चार सेट, ठीक है, दोनों को ही करेंगे, एक एक सेट दिखाऊंगा वरना वीडियो यार बहुत लंबे हो जाते हैं, आप लोग भी बोर हो जाते हो। चलो भाई तू भी मारे सेट, फोर चल, फाइव चल, सिक्स सेवन चल, इसके मारेंगे हम लोग चार सेट और हर सेट में कोशिश करेंगे 15, 20, 25 जितने रैप आते हैं। चलो ये करने के बाद अपनी अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो मेरे भैया पहला वर्कआउट है जो कि अपना ट्राइसेप पुल डाउन, और ट्राइसेप पुल डाउन मैं इसलिए कराता हूँ ताकि ट्राइसेप्स का वार्म अप बहुत अच्छा हो जाए, आपको इंजरी ना हो। चलो इसके चार सेट मारने और हर सेट में सिर्फ 10 रैप मारने, ठीक है, वन टू पूरा ऊपर जा, थ्री चल, फोर थोड़ी सी पीछे ला लो, फाइव सिक्स सीधा रहे सीधा रहे सीधा रहे, बॉडी को सीधा रख, वायर बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, ठीक है, सीधा थ्री चल, फोर चल, फाइव चल, सिक्स। मेरे भाई इसके मारने हमने चार सेट और हर सेट में मारने सिर्फ 10 रैप, वेट बढ़ा के मारने। चलो भाई सेकंड वर्कआउट है अपना लाइन ट्राइसेप्स, और लाइन ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं ट्राइसेप्स मारने के लिए और ट्राइसेप्स का वॉल्यूम साइज बढ़ाने के लिए। चलो भाई जितने तुम्हारे शोल्डर है उसके बिल्कुल सीध पे लानी है, ठीक है, हाँ चलो फोर हेड पे, नहीं नहीं फोर हेड पे लेके जाओ, हाँ यस, थोड़ी सी एल्बो क्लोज रखनी है, चलो वन हाँ ये टू शाबाश, थ्री फोर। सो मेरे भाई अब है अपना लाइन ट्राइसेप्स का फर्स्ट वर्कआउट, और इसके हमने करने हैं चार सेट, एक उसको करा दिया, अब सेकंड इसको करा रहा हूँ, थंब को अंदर रख, ठीक है, एल्बो को क्लोज रख, चल जा फोर हेड बिला, शाबाश चल जा, तू देखो ए, देख कैसे करता है, ला फोर हेड पे रहा है लेकिन एल्बो की मूवमेंट देख, जितना जा रहा है ना तो एल्बो का ट्राइसेप्स भी नीचे दबाता है ना, जैसे बेंच मारते हैं ना, तो ट्राइसेप्स को लोड देना उसके लिए बोलते हैं, यही रीज़न है कि तेरा आर्म्स नहीं बढ़ पा रहा। मेरे भाइयों आप नए हो, आप ध्यान से सुनो ये बात, ट्राइसेप्स को नीचे हल्का सा दबाना पड़ता है जब आप लाते हो, आप लोग क्या करते हो एल्बो को सीधा करके बस ये मूव करते रहते हो, तो उससे आपके ये जॉइंट दर्द होने लगते हैं और फ्यूचर में ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसको क्या करना है, जैसे आप बेंच प्रेस के लिए ना नीचे की तरफ लाते हो, जैसे आप बेंच प्रेस के लिए अपने ट्राइसेप्स को ऐसे दबाते हो, सेम लाइन ट्राइसेप्स के लिए भी ऐसे ही दबाना पड़ता है, देन ताकि आपका लोड आपके जॉइंट पे ना आपके ट्राइसेप्स पे जाना पड़े। तो चलो इसके मारेंगे हम लोग चार सेट। सो चलो मेरे भाई मेरी बात होती है अब डाइट की, डाइट मैंने जैसे कि आप लोगों को बता रखे, जितना हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, शेक पियो, शेक में हम क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, तो शेक में अपना आप चीकू डाल सकते हो, अपना आप बनाना डाल सकते हो, खजूर डाल सकते हो, उससे आपकी थोड़ी बहुत कैलरीज बढ़ जाती है, बट मैं चाहूँगा कि यार आपके कैलरीज के साथ साथ कुछ प्रोटीन भी मिले, तो मैं ऐसा इन लोगों को दे रहा हूँ कि भैया अपना डॉक्टर चॉइस का गेनर यूज़ करो, जो कि जिसका नाम अपना बल्किंग गेनर, जिसके साथ साथ आप लोगों को मिलता है क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 53 ग्राम होता है प्रोटीन, जो कि आप लोगों को ज़रूरत है, जिसके अंदर मिनरल्स भी है, इसके अंदर विटामिन भी है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, तो ऐसी चीज़ें अगर हमें शेक के साथ मिल जाए तो उसको पीना ईजी होता है, एक तरह से हमारे 2 या 3 मील कम्प्लीट हो जाते हैं जो कि हम डाइट में गर्मी में नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको आपको पूरा दिन में लेना है 3 से 4 स्कूप, और हर स्कूप में आपको लेना है ये बनाना शेक या चीकू शेक विद खजूर या नट्स, जो भी आपको सहूलियत है कि भैया मैं ये खा सकता हूँ वो खा सकता हूँ, वो डाल के आप इस गेनर में पीजिए। तो अभी फिलहाल मैं अपनी तरफ से एक डॉक्टर चॉइस का गेनर दे रहा हूँ, और सेकंड पहले मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ मैंने इनको ओट्स दिया था जिन्होंने आपके थोड़ा बहुत बड़ा वेट के साथ साथ मैं अब इनको एड ऑन करा रहा हूँ अपना डॉक्टर चॉइस का बल्किंग। सो मेरे भाई अब नेक्स्ट वर्कआउट अपना वन आर्म डंबल, चल नहीं नहीं इस पे बेंच पे आ, 7.5 का ले गया वो रहा 7.5 का ऊपर, हाँ ये ठीक है ले गया बैठ, और वन आर्म डंबल आप लोगों को करना है बैठ के, और इसके भी सेम रैप करने हैं आपने 10 रैप। और वन आर्म डंबल करने के ना कई तरीके होते हैं, मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ कि किसका कैसा है किसका कैसा है, तू कर कैसे करेगा जैसे तूने देखा, देखा हम लोग ना ऐसे भी करते आते हैं, ये भी है ना, हम लोग ये भी करते हैं, है ना, तो बेस्ट कौन सा होता है, तो यार मेरे को जो लगता है ना वो बेस्ट ऐसे वाला होता है
अपना हल्का सा ट्राइसेप्स ऐसे देना, ठीक है। ये इससे क्या है आपका ना, ये लोड ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। बस हल्का सा ये ट्राइसेप्स आगे, और ये अभी आ रहा है, ये ट्राइसेप्स हेड पे बाहर की तरफ आ रहा है ये, हाँ ठीक है ना। तो इसके हमने मारने हैं टोटल 4 सेट, और हर सेट में मारने हैं हमने 10 से 10 रैप ईच हैंड। और ये एक अकेली लौती एक्सरसाइज ऐसी है, जिस भी भाई का ट्राइसेप्स एक बड़ा लग रहा हो या एक छोटा लग रहा हो, वो इसको ज़रूर मारना शुरू करे, उसका फ़ायदा